पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सपा सांसद ने एक बार फिर अपना बयान देकर खुद को चर्चा में ला दिया है। इस बार सपा सांसद एसटी हसन ने वक्फ पर जो सर्वे होने वाला है उस पर अपना बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि अब इस राजनीति से सब लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। देखिए, इस राजनीति से अब सब लोग तंग आ चुके हैं। ये सांप्रदायिक राजनीति देश की बर्बादियों की आहट है। कब तक ये हिंदू मुस्लिम राजनीति होती रहेगी? अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे इसलिए हो रहा है कि वक्फ संपत्तियों का जहां अवैध कब्जे हैं, चाहे वो पब्लिक के द्वारा किए गए हों या सरकार के द्वारा किए गए हों, उसको खाली करा कर दें, या ऐसे किराएदार जो 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का किराया दे रहे हैं करोड़ों की संपत्ति का, उनसे किराया बढ़ावा कर दें और सारे वक्फ की प्रॉपर्टी को फ्री करा दें, तो हमें तो एतराज़ नहीं है। लेकिन मकसद कुछ और है। मकसद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। हम जब मानते हैं इस बात को कि सारे श्राइन्स का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब का सर्वे होना चाहिए था। उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ में आपने अभी अयोध्या में भी देखा कि कैसे कैसे कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी और दो दो चार चार घंटे में दुगनी कीमत में बेच दी। हिंदू मुस्लिम लगता है, सरकार है, सरकार सर्वे करा रही है, वक्फ बोर्ड सरकार का है, तो आपको क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम लगता है? इसलिए लगता है कि सारे जो मुस्लिम से जुड़े हुए मसाइल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उन्हीं की क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम कमेटी बहुत पिछड़ी हुई है, उसके उद्धार के लिए हम ये सब सर्वे करा रहे हैं, चाहे मदरसों का सर्वे हो या वक्फ प्रॉपर्टी का, तो ये सर्वे करेंगे तो उसके बाद वो कुछ विकास की योजनाएं बनाएंगे। देखिए, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, पर्दे के पीछे देखा करें। जिन मदरसों के उद्धार की बात की जा रही है, उन मदरसों के टीचर्स को 50 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली थी। पार्लियामेंट में हम लोगों ने उठाया, मैंने खुद 2 बार उठाया, तो 5 महीने की तनख्वाह मिल गई। और तनख्वाह कितनी? 8,000 से लेके 12,000। जब तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं तो उद्धार कहाँ से करेंगे? एट पार कैसे लेके आएंगे सरकारी स्कूलों के? खुदा करे कर दें, हम कब मना कर रहे हैं? वो सरकार कहती है कि जो मेन स्ट्रीम में एजुकेशन होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है 1 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, तो जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, नाबालिग बच्चे हैं, तो वो सर्वे में ही तो पता चलेगा कि क्या चाहिए बच्चों को, क्या नहीं चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। तो अगर सर्वे करने के बाद अगर सरकार उनके एजुकेशन लेवल को अप करती है, हायर करती, तो आपको क्यों उसमें हमने इस पर कब एतराज़ करा? हम तो इस बात को जानते हैं कि मदरसों के आप नियत पर शक है, पर्दे के पीछे कुछ है। हम आपसे ये बता रहे हैं ना कि मदरसों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और अब कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। धार्मिक शिक्षा से अगर मुसलमान दूर होता है, इस्लाम से दूर होता है, तो वो कहीं ना कहीं गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है, और जब गुनाह करता है तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर नहीं आती हैं। तो मदरसों को बर्बाद क्यों किया जाए? मदरसों को अपलिफ्ट करें, हम कब मना कर रहे हैं? और अभी तक क्योंकि हम इसलिए ज़्यादा और डरे हुए हैं कि हमने आसाम के मदरसों का हशर देखा है। आसाम के अंदर अगर कोई टेररिस्ट निकल ही आया मदरसे में, तो टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जो भी मुमकिन हो सके वो करो, लेकिन बिल्डिंग तो टेररिस्ट नहीं होती। बिल्डिंग को क्यों गिराया गया? वहाँ पे कोई और लोग चला लेते उसमें मदरसा? अच्छा, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक हैं आज़म खान, उनकी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, इस पर आज अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है, तो आपका क्या कहना है? जो अखिलेश जी ने कहा है, हम उससे सहमत हैं। आपको लगता है कि आज़म खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बदले की भावना से है या कुछ टारगेट कार्रवाई समझते हैं? नहीं, टारगेटेड कार्रवाई है, और आप देख ही रहे हैं पिछले 3 साल से। डॉक्टर साहब, वक्फ संपत्ति के बारे में भाजपा के जफर इस्लाम ने कहा था बहुत अच्छा कार्यवाही हो रही है, जो वक्फ की कमेटियां होती हैं वो बहुत घपला करती हैं, वो सब सामने आए। जो घपला करता है, जो गलत करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस घपले से ज़्यादा बड़ी बात ये है
कि जितनी सरकार ने दबा रखी है वक्फ की संपत्ति उसे खाली कराएं। बहुत से ऑफिस ऐसे हैं जो वक्फ की संपत्ति के ऊपर आज भी चल रहे हैं, कोई पैसा उनके जिनको फ़ायदा होना चाहिए था, जिनके लिए वक्फ किया गया था, उनको नहीं मिल रहा है। अब वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं आप उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के, क्या आपने कभी सरकार को इस तरह की कोई चिट्ठी लिखी कि सरकारी जो कब्जे हैं वो संपत्तियों से वो हटाए जाएं? देखिए वक्फ बोर्ड अपना खुद ट्रिब्यूनल चलाता है, लोगों की शिकायतों को सुनता है, अपने फैसले सुनाता है, अगर आदमी सहमत नहीं होता है तो ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर भी सहमत नहीं होता तो हाई कोर्ट जाता है, ये एक प्रोसीजर है। मदनी जैसे लोगों ने आखिर में मदरसे के सर्वे का समर्थन किया था, फिर इस पर भी समर्थन आ जाए सबका? अगर नियत सही है तो समर्थन आएगा, नियत के ऊपर है ये तो। हम आपसे कह रहे हैं कि तराजू का पल्ला एक तरफ झुका हुआ है, इसे बैलेंस होना चाहिए, सबका सर्वे होना चाहिए। लेकिन साहब नियत का सारी बात तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगी ना, कि आप हमें कैसे कह सकते हैं कि नियत गलत है या सही है? ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कह रहे हैं भाई, अगर नियत सही होती तो सबका सर्वे क्यों नहीं कराते? सबका कराइए। AIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, बड़ा NRC है अब मदरसों के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज का जो सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, उन्होंने मठों की जांच की भी मांग करी है। वो कहा कि हमने आपसे कहा ना कि सारे धार्मिक स्थलों के सर्वे होने चाहिए, हर मजहब के धार्मिक स्थलों के सबके। मतलब आपको भी लगता है कि सिर्फ यहाँ पर वक्फ बोर्ड की और मदरसों की जांच के अलावा मठों की भी जांच होनी चाहिए? आप ओवैसी जी का क्या समझ? मैंने तो कहा ना सारे मंदिरों के भी ट्रस्ट हैं, मठों के भी ट्रस्ट हैं, गिरजाघरों के भी हैं, चर्चों के भी हैं, मस्जिदों के भी हैं, खानकाहों के भी हैं, फिर तो सबका हो सर्वे ना। सर विदेश में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है तो आपको क्या लगता है? बहुत गलत हुआ, हमें विदेश में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। हम प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं हिंदुस्तान। हालात कभी कभी बिगड़ जाते हैं, वो भी सियासत बिगाड़ती है, इंसानों के हालात नहीं बिगड़ते हैं। ये राजनीति की वजह से ये सब कुछ होता है और हिंदुस्तान की राजनीति इस वक्त गलत रास्ते पर जा रही है। वो ना विकास की सियासत करती, ना रोज़गार की करती, ना महंगाई की करती, ना किसान की करती, वो हिंदू मुसलमान की करती है। आपको लगता है कि जो भारत की राजनीति है उसकी वजह से विदेशों में भारतीय पर हमला हुआ है? देखिए भारत की राजनीति, जो विदेशों में लोग रह रहे हैं वो भारतीय ही तो हैं, जिन्होंने आपस में झगड़ा करा, भारत से ही तो गए हैं, उनका आइडियल तो उनका कंट्री है और नेचुरल है। आप विदेश में जाएंगे तो आपका आइडियल तो हिंदुस्तानी होगा। जो सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं उसके पीछे आपको लगता है कि जो नफरत की राजनीति है वो एक बड़ी वजह है? यकीनी तौर पर ये जो देश में हो रहा है उसका असर जहाँ जहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं उन पे सब पे पड़ रहा है। सर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने आज सदन में जो है एक बड़ा एक बयान दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए इशारों में कहा कि जो विपक्ष के सीनियर लीडर हैं उनकी भाषा जो है वो सड़क छाप से भी ज़्यादा गिरी हुई है। हमें अफसोस है कि इस लेवल पे आके इस तरह के भाषणबाजी हो। सम्मानित लोग हैं ये, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों और हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आपस में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो यकीनी तौर पे उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।